بسم الله الرحمن الرحيم. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم. فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم فقل ثم نبتهل فنجعل لعنة الله ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على صدق الله العظيم. ما شاء الله ما شاء الله سبحان الله سبحان الله. میٹرو ون نیوز کی خصوصی نشریات میرا بادشاہ حسین ہے. آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ون نیوز کی اسپیشل ٹرانسمیشن اور میں ہوں آپ کا میزبان شہزاد سعیدی. میری جانب سے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم کریں گے ذکر کربلا. ہم اس ہستی کا ذکر کریں گے جسے میرے آقا نامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لبوں سے چوما کرتے تھے.
जिनका जिक्र जमीन पर नहीं आसमानों पर भी उनका जिक्र किया जाता है, और जो जन्नत में नौजवानों के बादशाह होंगे, और मेरा तो ईमान है इंशाअल्लाह हमारे हम सब के बादशाह हैं वो, और दुनिया में भी हमारे बादशाह हैं और बाद मरने के भी हमारे बादशाह हैं, ये हमारा ईमान है। और इंशाअल्लाह आज यकुम मुहर्रमुल हराम है, और इब्तदाम करेंगे सैयदना उमर फारूक वदी अल्लाह ताला अन्हा की शहादत का दिन है, उस पर आज हम जिक्र करेंगे। वो सैयदना उमर फारूक वदी अल्लाह ताला अन्हा जो 22 लाख मुरब्बा ज़मीन पर हुक्मरानी करते थे, लेकिन एक ईंट लेकर सोया करते थे, ऐसे हुक्मरान पर लाखों सलाम, लाखों सलाम। आज उनका जिक्र करेंगे हम इंशाअल्लाह, और आपका और हमारा साथ यकुम मुहर्रम से आशूरा तक रहेगा इंशाअल्लाह। मेट्रो वन न्यूज़ की स्क्रीन पर आप देखेंगे हमें, और हम जिक्र करबला करेंगे और आप हमारे साथ होंगे इंशाअल्लाह। अपने मेहमानों का मैं आपको तारुफ करवाता हूँ, हमारे साथ बहुत खूबसूरत शख्सियत और बहुत ज़बरदस्त गुफ्तगू करते हैं, मज़हबी स्कॉलर हैं, और मैं अस्सलाम वालेकुम पेश करता हूँ आपको। मोहम्मद रिशाद साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। आप आए हमारे प्रोग्राम मेरा बादशाह हुसैन है में, मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। बड़ी खुशी हुई माशाल्लाह, पहले बैत के चाहने वाले हो तो माशाल्लाह शहीदाने करबला का जिक्र। जी जी इंशाल्लाह हम को 10 रोजा कबूल फरमाएं, और फिर सैयदना फारूक आजम से आज आगाज है। जी 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 बिल्कुल करेंगे इंशाल्लाह, आज हम करेंगे जिक्र सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला। एक और हमारे साथ बहुत मारूफ उलमाए कराम है जनाब अल्लामा उमर तुराबी साहब, मैं आपको भी खुश आमदीद कहता हूँ। आप आए हमारे प्रोग्राम में, बहुत बहुत खुशी हुई माशाल्लाह, आपने बड़े खूबसूरत अंदाज से और प्यारे सनाखा मौजूद हैं सैयद साहब मौजूद, आप माशाल्लाह खुद इतने खूबसूरत हैं, और मौजू भी आपने बड़ा जो ना वो चुन के रखा है, मेरा बादशाह हुसैन, मेरा बादशाह। अल्लाह ताला इन बादशाहों के सद के अल्लाह हमारा बेड़ा पार फरमाए, और आज हम जो जिक्र करेंगे ना वो भी बादशाह हैं, सुभान अल्लाह, सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला, क्या शान है उनकी, ठीक है ना, अजीम बादशाह का आज भी हम जिक्र करेंगे इंशाल्लाह, पूरी दुनिया उन और दुनिया नाथ के मारूफ नाथ खां मोहतरम जनाब अलहाज साजिद कादरी साहब हमारी बज़म में शरीक है, मैं आपको भी खुश आमदीद कहता हूँ साजिद भाई, बहुत शुक्रिया। बहुत आपका भी शुक्रिया, और इतना खूबसूरत पैनल है। जी जी, सैयद ज़ादे भी हैं, आलिम दीन भी। जी जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह साजिद भाई बड़ी मोहब्बत करते हैं, रमजान ट्रांसमिशन में भी हमारी इब्तदा इन से ही हुई थी, था इन्हीं से हुआ था, और आज यकुम मुहर्रम भी इन्हीं से हुआ, आशिक अहले बैत का जिक्र है, हम भी इश्क रखते हैं थोड़ा बहुत, अल्लाह कबूल कर ले सही आले रसूल से, हजरत उमर जैसा आशिक अहले बैत, माशाल्लाह माशाल्लाह, जिक्र पाक है, उन्होंने सिखाया हमको, उन्होंने, वाह वाह वाह। और कारी उसामा रहमानी से हमने तिलावत कुरान पाक सुनी, और बहुत खूबसूरत अंदाज आपने तिलावत कुरान पाक, मैं आपका भी शुक्रिया अदा पेश करता हूँ, आप आए हमारी बज़म में, बहुत बहुत शुक्रिया साजिद भाई। सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मैं चाहूँगा मनकबत से हम इब्तिदा करें, या नाथ से करें, क्या कहते हैं आप? हाँ हाँ ठीक है, रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हो। दो शेर में नाज़ शरीफ के और फारूक आदम रज़ी अल्लाह ताला का जिक्र मैं करता हूँ, क्योंकि फारूक आदम को जिसने इज्जत दिलवाई वो आमना के लाल हैं। आला हज़रत फरमाते हैं, वस्वे रुख उनका किया करते गए, वस्वे रुख उनका किया करते गए, शर्हे व शम्सु दुहा करते गए, उनकी गम मद को सना करते गए, जिनको महमूद कहा करते हैं, जिनको महमूद कहा करते हैं, जिससे दरियाए करम है जारी, जिससे दरियाए करम है जारी, जोश पर आती है जब गम खारी, तिशने सैराब करते भाई ने बहुत खूबसूरत नात पेश की, इंशाल्लाह मनकबत सुनेंगे, लेकिन लेते हैं एक छोटा सा वक्फा।
एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आप देख रहे हैं मेट्रो वन न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन, मेरा बादशाह हुसैन है। और आज हम जिस बादशाह का जिक्र कर रहे हैं, सैयदना फारूक आज़म वदी अल्लाह ताला अन्हु का, और मैं अल्लामा साहब से कहूँगा, अल्लामा साहब कुछ बताएँ, अल्लामा उमर तुरावी साहब से मैं कहूँगा कि कुछ बताएँ कि सैयदना उमर फारूक वदी अल्लाह ताला अन्हु की क्या शान थी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले तो हम उनकी शान की बात करेंगे ना। अल्हम्दुलिल्लाह, हम उनकी शान के कायल हैं, उनकी अज़मत के कायल हैं, उनके मर्तबे के कायल हैं। हमें तो सिखाया इन्हीं बुजुर्गों ने, इन्हीं शेखों ने। तो हज़रत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला हमारे दूसरे खलीफा हैं। हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला के बाद आपको ये खिलाफत का मनसब, ये सदारत, ये आपको मसनत अल्लाह पाक ने अता फरमाई। और हुजूर अलैहिस्सलाम के इरशाद के मुताबिक हज़रत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला आप वो अजीम शख्सियत हैं कि इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह ताला अलैह तारीखुल खुलाफा में फरमाते हैं कि कुरान करीम में 21 आयात ऐसी हैं जो हज़रत फारूक आज़म की राय होती, अल्लाह उस मुताबिक कुरान की आयत को नाज़िल फरमाता। और 539 अहादीस मुबारक आपसे मरवी हैं। हज़रत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला की शान अल्लाह पाक कुरान पाक में सूरह फतह के अंदर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहु अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, फिर मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला फरमाते हैं कि अशिद्दाउ अलल कुफ्फार से मुराद हज़रत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला की ज़ात है, आप मुराद हैं। और हज़रत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला चूँकि काफिरों पर बड़े शदीद हुआ करते थे, आप बड़े सख्त हुआ करते थे। एक मशहूर वाक्य आपने सुना होगा, इमाम शोबई रहमतुल्लाह ताला ले आप फरमाते हैं कि एक मरतबा यहूदी और मुनाफिक में किसी मामले में झगड़ा हो गया, तो यहूदी ने कहा कि हम तुम्हारे नबी के पास चलते हैं, तो मुनाफिक ने कहा कि नहीं, हमें यहूदियों के सरदार के पास जाता हूँ। तो मुनाफिक ने जब ये कहा ना कि तुम यहूदियों के सरदार के पास चलो, तो बताना ये है कि ये दोनों हजरत हुजूर अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे। जब हुजूर के पास पहुँचे ना, तो मेरे आका अलैहिस्सलाम तो अदल इंसाफ करने वाले हैं, अल्लाह तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमा, मुनाफिक के हक में हुजूर ने फैसला दे दिया, हुजूर अलैहिस्सलाम ने यहूदी के हक में फैसला दे दिया। और फैसला देने के बाद जब वो मुनाफिक ना माना, तो उसने कहा कि चूँकि फारूक आज़म तो जो है ना वो बड़े काफिरों में बड़े शदीद हैं, बड़े सख्त हैं, तो फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला के पास जाता है, उनसे कहा कि आप हमारे माबेन फैसला कर दे। तो यहूदी ने कहा कि हुजूर, फारूक आज़म से कहने लगा कि आपके नबी ने मेरे हक में फैसला दिया है। अल्लाह, आपने कहा जब नबी ने फैसला कर दिया तो उमर क्या इस पे फैसला करेगा? बस आपने ये देखा, तो ये चूंकि गुस्ताखी है कि नबी के फैसले का इनकार करना, ये भी गुस्ताखी है। अल्लाह, आप अपने घर में गए, नियाम से तलवार निकाली और उस मुनाफिक का सर काट के रख दिया। उसने कहा जो नबी के फैसले को नहीं मानता उसका फैसला उमर की तलवार कर। वाह वाह वाह, ये हुजूर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं कि अल्लाह तबारक व ताला ने आपको ये सादत, ये शान अता फरमाई। हदीस पाक में एक हदीस पाक आपको बड़ी मारूफ और बड़ी खूबसूरत हदीस पाक है कि जिससे हुजूर फारूक आज़म की शान जो है वो आया होती है। अल्लाह हजरत फारूक आज़म की शान कुरान में बयान कर रहा है, तो प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने लबों से शान उमर बयान कर रहे हैं। अल्लाह, हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला की शान आप देखें कि हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में जिब्रील अलैहिस्सलाम हाजिर हुए। हुजूर ने कहा कि ए जिब्रील, मुझे मेरी उम्र की कोई फजीलत सुनाओ, मुझे उम्र की कोई बात बताओ, मुझे कोई शान सुनाओ। अब देखो यहाँ पे अल्लाह का नबी हजरत फारूक आज़म की शान जिब्रील अमी से सुनना चाहता है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने जब ये कहा, यानी तो हम जो आपसे जो जिक्र सुन रहे हैं, हाँ, तो ये हुजूर की सुन्नत अदा कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारा सुनना भी, आपका हमारा मेरा बयान करना, आपको सुनना, ये भी देखे अब कितनी दिलचस्प बात है। शहजाद भाई, दिलचस्प बात कैसी है कि हुजूर शान उमर सुनना चाहते हैं। यहाँ आज आप लोगों को बड़ी तकलीफ है, यानी जो हजरत उमर की शान सुने गोया वो सुन्नत मुस्तफ़ा अदा कर। अल्लाहु अकबर। हुजूर अलैहिस्सलाम ने पूछा, हुजूर ने कहा कि मुझे उमर की शान बयान करो। अब यहाँ पे जिब्रील देखो क्या कहते हैं अलैहिस्सलाम, आप कहते हैं या रसूल अल्लाह, अल्लाह तबारक व ताला अगर मुझे नूह अलैहिस्सलाम जितनी उम्र अता कर दे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की जो उम्र शरीफा है वो 950 से ज़ायद है, लेकिन तबलीगी उम्र जो है वो 950 साल है। तो कहा जो अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को उम्र दी और जिब्रील 950 साल
उमर की शान बयान करता रहे, उम्र खत्म हो सकती है, शान उम्र खत्म नहीं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो जिब्रील ने जब ये कहा कि उम्र खत्म हो जाएगी, शान उम्र खत्म नहीं होगी, मैं आपको बताऊं, हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के लिए बदवा की, यानी आप देखें उसके बाद भी जो आप सैलाब आता है, जो तबाही होती है, उसके बाद भी आप रहे हजरत नूह अलैहिस्सलाम, यानी फतुल बारी उम्दतुल कारी के अंदर भी लिखा है कि 1600 भी है हजरत नूह अलैहिस्सलाम की उम्र। अगर आप ये भी ले लें तो जितनी उम्र हजरत नूह अलैहिस्सलाम की, ये भी खत्म हो जाए, शान उम्र खत्म नहीं होती, तो गोया दूसरे मुकाम पर मेरे नबी ने कहा, जिब्रील तू उम्र की शान बयान नहीं कर सकता, तो मैं तुझे बताता हूँ, अगर नबूवत का दरवाजा खुला होता, मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर इब्ने खत्ताब। वाह 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 वाह, क्या बात है साजिद भाई, सुनाए कुछ। वाह वाह, मौला कायनात की क्या बात है, क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या बात है शाह, क्या बात, क्या बात, सुभान अल्लाह। साजिद भाई, फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में पेश करें, फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु शान में, बड़ी इस्लाम की ताकत मेरा मौला उमर आया, बड़ी इस्लाम की ताकत मेरा मौला उमर आया, अबाई कुफर की शामत मेरा मौला उमर आया, मेरा मौला उमर आया, मेरा मौला उमर आया, सहाबा ने जमात से नमाज़ें काबे में पढ़ ली, सहाबा ने जमात से नमाज़ें काबे में पढ़ ली, हरम में साहिबे इज्जत मेरा मौला उमर आया, हरम में साहिबे इज्जत मेरा मौला उमर आया, दुआए मुस्तफा कहिए, मुरादे मुस्तफा कहिए, दुआए मुस्तफा कहिए, मुरादे मुस्तफा कहिए, खुदा ने दी जिसे इज्जत मेरा मौला उमर आया, खुदा ने दी जिसे इज्जत मेरा मौला उमर आया, नबी को बेटी जिसने दी, अली से बेटी जिसने ली, नबी को बेटी जिसने दी, अली से बेटी जिसने ली, नबी के घर से निस्बत है। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहता हूँ, आप देख रहे हैं मेट्रो वन न्यूज़ की खसूसी नशरियात, मेरा बादशाह हुसैन है, और मैं मोहम्मद शाह साहब से गुजारिश करूँगा कि शाह साहब हम जिक्र कर रहे हैं सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का, तो आप भी कुछ इजहार ख्याल फरमाएं, उनकी शान बयान करें। फारूक आजम अमीरुल मोमिनीन खलीफा रसूलुल्लाह, कुर्बान जाइए कि तमाम सहाबा जो हैं वो बारगाह रिसालत में हाजिर हुए, दरे रसूल पर हाजिर हुए। सैयदना फारूक आजम की ये शान है, जुदा गाना शान है, अल्लाह अकबर, के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गिलाफ़े काबा को हाथ में पकड़ा, अल्लाह, और ये दुआ की बुखारी के अल्फाज हैं, अल्लाहुम्मा अइज़्ज़ल इस्लाम, जहाँ तक के खासा के लफ्ज़ हैं, उमर इब्न खत्ताब, ऐ अल्लाह इस्लाम को उमर खत्ताब के साथ इज्जत अता फरमा, अल्लाह, यानी आप मुराद रसूल हैं, अल्लाह, और दुआए रसूल हैं, अल्लाह। कुर्बान जाइए कि जब हजरत सैयदना फारूक आजम ईमान लेकर आए तो तारीख की किताबों में कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा से बगर गिर हुए, यानी खुशी का ये आलम था कि आपने सहाबा को मुबारकबाद दी, और कुर्बान जाइए साहबा ने नारे तकबीर इतना बुलंद किया कि तारीख की किताबों में कि बैतुल्ला के दोनों दीवार, यहाँ तक के मक्का की जितने पहाड़ थे, वादियाँ थी, वहाँ नारे तकबीर के नारे बुलंद हुए। और कुर्बान यहाँ तो ज़मीन पर जश्न हो रहा था, सैयदना फारूक आजम जब ईमान लेके आए, जिब्रील अमीन हाजिर खिदमत हुए, कहा या रसूलल्लाह जिब्रील का सलाम उमर पर,
اور فرمایا آج تمام آسمان کے جو ملائکہ ہیں وہ فاروق آدم کے ایمان کا جشن منا رہے ہیں, واہ واہ واہ, خوشی منا رہے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ اکبر. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, فاروق آدم کی شان حضور بیان کر رہے ہیں, فرمایا کہ آسمان کے جو ملائکہ ہیں وہ عمر فاروق کی عزت کرتے ہیں, اللہ سلام پیش کرتے ہیں, اللہ اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جیسے حاجی بھائی بات کرے تو فاروق اعظم کی وہ نام ہے, کیا آپ کے نام کی اتنی ہیبت ہے, اتنی دہشت ہے کفار پر کہ قربان جائیے, جب آپ ایمان لے کے آئے آپ نے باقاعدہ اعلی الانام بیت اللہ کے ساتھ طواف ساتھ پھرے, اور پھر آپ بدبخت ابو جہل کے گھر گئے, دروازے پہ دستک دی, کہا کون, کہا عمر, کہا کس لیے آئے, وہ کام گئے کیوں, کیونکہ جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ ایمان لے کے آئے تو کفار نے کہا آج ہماری کمر ٹوٹ گئی, اللہ اکبر, اور اس قوم نے ہم سے اپنا بدلہ لے لیا, اللہ اکبر, اللہ اکبر. تو ابو جہل کو کہا, سن ابو جہل, میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر ایمان لا چکا ہوں, آج کے بعد میرے نبی پیغمبر کے بارے میں کوئی زبان درازی نہیں کرنا, ورنہ تمہارے پرکچے اڑا اڑا دوں. فاروق اعظم وہ شان ہے اور ماشاءاللہ آیت غوث, اس کو آیت کتب بھی کہتے, سورہ فتح کیا کہ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم, اس آیت کے اکثر مفسر نے تفسیر میں یہ لکھا کہ یہ فاروق اعظم کی عظمت پر ہے, آپ کفار پر شدت کے ساتھ, تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کیا ہے, اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ فاروق اعظم وہ کہ تمام انسانوں اور جنوں کے جو شیاطین ہیں وہ فاروق اعظم کو دیکھ کر کانپتے ہیں, بھاگ جاتے ہیں, یعنی جدا گانا شخصیت ہے, کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے, آپ وہ شان ہے کہ جہاں سے آپ گزر جائیں تو شیطان راستہ پلٹ لے, تو فاروق اعظم کی کیا عظمت ہے, کیا شان. میں کہتا ہوں اس وقت فقہا کے نزدیک کتنے آئمہ ہیں کہ کائنات میں سب سے عظمت والی جگہ, عرش سے بھی عظمت, بیت اللہ سے بھی عظمت والی جگہ, لوح اور قلم سے بھی عظمت والی جگہ وہ ہے جہاں میرے آقا جلوہ گر ہوں, اللہ تو حضور گنبد خضرا اور مکی گنبد خضرا جس زمین کے خطے پر جلوہ گر ہوں گے وہ کائنات میں سب سے افضل ہے. آج قربان جائیے, فاروق اعظم نے ساری زندگی آپ کی عظمت ایک طرف, آج بھی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کائنات کے جس خطے پر آرام فرما رہے ہیں وہ سب سے عظمت والی ہے, اور پھر 2200 مربع میل پر حکومت کرنے والا وہ عمر, تو خدا کی قسم آج عمر کو سلام پیش کریں, امت پر حضرت سیدنا عمر فاروق کے بڑے احسانات. تو میں چاہوں گا کہ تمام عالم اسلام کو پیغام دوں گا, بلکہ ریاست مدینہ کے وزیر اعظم کو کہوں گا کہ آپ فاروق اعظم کے دن یکم محرم کو چھٹی کا اعلان کریں, اور اللہ کرے ہمارے یہاں یونیورسٹی قائم ہو, فاروق اعظم پر ریسرچ ہو, صحابہ پر ریسرچ ہو, اور اہل بیت کے تو ہم ہیں کہ میرا بادشاہ حسین ہے, اور اہل بیت اور صحابہ ساتھ ساتھ ہیں انشاءاللہ, فاروق اعظم کے سب کے ہم سب کا بیڑا پار. ماشاء اللہ, آپ دیکھ رہے ہیں میرا بادشاہ حسین ہے. ملتے ہیں وقفے کے بعد. ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں محرم الحرام کی خصوصی نشریات میرا بادشاہ حسین ہے میں, اور میں ادیب رائے پوری صاحب کے وہ اشعار کے ذوالفقار بھائی بہت خوبصورت اندازہ پڑھا کرتے تھے کہ آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر, گلشن فاطمہ کے تھے سارے غلاب ریت پر, جتنے سوال عشق نے حال رسول سے کیے ایک کے بعد ایک دیے سارے جواب ریت پر, سارے جواب ریت پر. بہت معروف نعت خواں محترم جناب فرقان معیاری صاحب بھی ہماری محفل میں شرکت تشریف فرما ہے اور میرے بہت اچھے دوست ہیں. میں گزارش کروں گا کہ امام پاک کی شان میں کوئی منقبت پیش کریں. اللهم صل اللهم صل اللهم صل اللهم صل اللهم صل اللهم صل محمد بن الجود والكرم وعلى اله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. یہ بات کس قدر حسی, یہ بات کس قدر حسی جو کہہ گئے معین الدین, دین کی پناہ حسین ہے, دین کی پناہ حسین ہے, میرا بادشاہ حسین ہے, میرا بادشاہ حسین ہے, مولا حسین ہے, سید حسین ہے, میرا بادشاہ حسین ہے. یہ بات کس قدر حسی, یہ بات کس قدر حسی, یہ بات کس قدر حسی جو کہہ گئے معین الدین, دین کی پناہ حسین ہے,
हुसैन की पना हुसैन है, मेरा हुसैन है, सैयद हुसैन है, मौला हुसैन है, मेरा बादशाह हुसैन है। करे जो कोई हमसरी किसी की क्या मजाद है, हुसैन हर लिहाज से जहां में बेमिसाल है। ये हो चुका फैसला, ये हो चुका फैसला, न कोई दूसरा हसन न कोई दूसरा हुसैन है, मेरा हुसैन है, सैयद हुसैन है, मेरा बादशाह हुसैन है। और पुश्तों से मैं नसीर हूँ, मंगता हुसैन का, पुश्तों से मैं नसीर हूँ, मंगता हुसैन का, विरसे में मैं पाया है सदका हुसैन का, विरसे में मैं पाया है सदका हुसैन का। और काफी है मेरे वास्ते नखले चलता गए चलता गए हर जहान में सिक्का हुसैन का, चलता गए हर जहान में सिक्का हुसैन का। और इसका सबूत दे दिया असगर की जंग ने, इसका सबूत दे दिया असगर की जंग ने, क्योंकि शेरों का शेर होता है बच्चा हुसैन का। तेरी नस्ल पाक में गए बच्चा बच्चा नूर का, तू गए ने नूर तेरा सब घराना नूर का, शेरों का शेर होता है बच्चा हुसैन का। पाक सलामत रखे आपको, अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे। शेरों का शेर होता है ऐसे ही, ऐसे ही जान से आप मदे सुना करते रहे, माशाल्लाह सुभान अल्लाह क्या बात है। मैं अगर इनके लिए मेट्रो चैनल की विसादत से बात करूंगा, हमारे फुरकान भाई सनाखा भी बहुत खूबसूरत है और मेजबान भी बहुत खूबसूरत है। वाह वाह माशाल्लाह क्या बात, श्रीलंका शिफ्ट हो गए हैं जी जी, और इतनी मेजबानी शरत भाई आपने भी इनकी मेहमान नवाजी देखी माशाल्लाह। मैं अपने तमाम देखने वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ, मेरे मेहमानों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, और मैं मोहम्मद अली शाह साहब से कहूंगा कि दुआ से इस प्रोग्राम का इख्तिताम करें। आज मौला हजरत अमीरुल मोमिनीन सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत का दिन है, मैं तमाम अहले इस्लाम से कहूंगा कि उनको सलाम पेश करें, उनकी सीरत को पढ़ें और उनके बरकत से दुआ में शामिल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जज़ल्लाहु अन्ना सैयदना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा हुआ। अल्लाह तेरे महबूब के चहीते लाडले सहाबी सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तुर्बत पर अनवार व तजल्लियात की बारिश फरमा। आमीन। सैयदना फारूक आजम का सदका अल्लाह में आदिल हुक्मरान अता फरमा। आमीन। सैयदना फारूक आजम की शहादत का सदका अल्लाह हमारे जुर्मों को करम में बदल दे, हमारी खताओं को अताओं में बदल दे, हमारे गुनाहों को नेकियों में बदल दे, हमारे गमों को खुशियों में बदल दे, हमारी परेशानियों को सुकून में बदल दे, हमारे जवाल को उरूज में बदल दे। फारूक आजम का सदका उम्मत मुस्लिमा के जवाल को उरूज में बदल दे,
अल्लाह फलस्तीन मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों की गैबी इमदाद फरमा, पाकिस्तान को ताकयामत सलामत रख। मेरे बादशाह हुसैन है, अल्लाह इस बजम को कामयाबी अता फरमा। मेट्रो न्यूज की पूरी इंतजामिया पर रहमत की निगाह फरमा। अल्लाह शहीद चौधरी असलम, अल्लाह अफवाज पाकिस्तान रेंजर और पुलिस के जितने शहीद है और जिन्होंने हुजूर की नामूस पर पहरा दिया जामे शहादत, तमाम शहीदान के दराजात बुलंद फरमा। शहीद असलम चौधरी के दराजात बुलंद फरमा, गरीब की रहमत फरमा, पाकिस्तान को सलामत रख इस वबा से। शहीद फारूक आजम की शहादत का सदका अल्लाह पूरे आलम इस्लाम की हिफाजत फरमा। اللهم بسيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين وصحبه مرضينا اقضي حوائج يا اكرم الاكرمين يا صدیق يا عمر يا عثمان يا حیدر دفع شر كل خير آور يا شبیر يا شبر صلى الله على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك رحمتك يا رحمة। अपने मेजबान शहजाद सईदी को इजाजत दें, कल इसी वक्त और इसी चैनल पर आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।